फाउंडेशन के कौमी तर्जुमान मिर्जा मौलाना अब्दुल कयूम नकवी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। मिर्जा अब्दुल कयूम नकवी साहब। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मौजूद मेहमान, हमारे मुल्क में ओबीसी के मूवमेंट को चलाने वाले भवन साहब तैवर साहब, राजफकीर साहब, विश्वनाथ पाटिल साहब, हमारे मुस्तफा फारूक साहब, निजामुद्दीन राय साहब और सभी उपस्थित मंच पर और स्टेज पे मौजूद सामने मौजूद सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज का इजलास एक ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनाकिद किया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारी मूवमेंट गुज़िश्ता 40-45 साल से मुल्क में पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है, विशेषकर जो मुस्लिम तबका है पसमानदा उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 26 साल की तारीख, उनकी खिदमत, उनके कारनामे और उनकी कुर्बानियां इस काबिल है कि उन्हें सुने हुक्म में लिखा जाए। आज जो शख्सियत हमारे अंदर मौजूद है, मुझे फख्र है कहने में कि जो काम 26 साल ने किया वो ना तो मुल्क के मुस्लिम जो है किसी ने किया, ना किसी मुस्लिम वजीर आला ने किया, ना किसी मुस्लिम वजीर ने किया। जो काम आपने किया है वो एक तारीखी काम है। आज हजारों बच्चे हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से मेडिकल, इंजीनियर और जो जितने बड़े बड़े कोर्सेज है प्रोफेसर जिनकी फीस लाखों रुपए में है उसको पहुंच चुके हैं। एमबीबीएस करने के बारे में, इंजीनियरिंग में करने के बारे में किस तरह है, आज उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। वो सबको याद है जिस वक्त पे मैंने मूवमेंट शुरू किया था, आप पे कुफर के फतवे लगे, आप पे हमले किए गए, आपके परिवार को कैंसिल किया गया, आपके लोगों ने क्या क्या तोहमत उठाई, आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, आपको क्या इंदिरा कहा, कौन ने फूट करने वाला कहा, लेकिन अल्लाह का बंदा अपने मिशन पे डटे रहा, आते रहा। कई लोग आए, कई लोग गए, कई तंगे बनी, कई संगठनाएं बनी, कई मिशन खड़े हुए, लेकिन शब्द मैंने आपका एक ही मिशन रखा, सब ओबीसी। कई लोगों ने आपका साथ दिया, कई संगठनों ने आपका साथ दिया, सबने कहा कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए, लेकिन शब्द मैंने कहा कि मैं एक ही काम करता हूं, वो शब्द है ओबीसी का। शब्द में पूरे मुस्लिम लोगों में आगे वाले मिलर है जिनको हर गांव का आदमी जानता है, हर गांव शब्द में भी याद है, गांव के एक एक पत्थर हम भी याद है। शब्द में पूछिए रात के 12 बजे इन्हीं को उठाकर कि बड़ा गांव में तो बड़ा आदमी होने से कौन है, तो शब्द में कौन बोले किसी बड़ा रुकावट के कि कौन कर सकता है। रात दिए किया, गाड़ी में सफर किया, गाड़ी में रहना, गाड़ी में भागना, गाड़ी में सफर करना, कौन करता है इसके लिए, किसने क्या बताइए। ये जो मोमेंट है इतना आसान नहीं है, आज आप जो जमा हुए हैं ये इतना आसान जमा नहीं है। वो वक्त याद कीजिए जब हमारे लोग कहीं खड़े हो रहे थे तो दफ्तर के अंदर हलचल पड़ने वाली थी और ओबीसी का नाम सुन के लोग परेशान होते थे। आज हमें फिर उसी हौसले को, उसी आदत को, उसी याद को और उसी ताकत को सामने लाना है। आज आपसे नारा दे रहे हैं संविधान के साथ सम्मान में ओबीसी मैदान में। आज पूरे मुल्क में कोशिश की जा रही है संविधान को बदला जाए, लेकिन जब तक ओबीसी लगा है वो होने नहीं देगा। और हम आज से एक मिशन और एक आराम दे रहे सर, हमने नया प्रोग्राम दिया कि अगर इस देश को सुरक्षा के लिए कोई काम कर सकता है तो सिर्फ तो ओबीसी है। बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।
जब भी देश में दंगे होते हैं, जब भी झगड़ा होता है, लूट मार होती है, तो ओबीसी के लोग ओबीसी को मारते हैं। जो झगड़े लगाने वाले लोग हैं वो सामने कभी नहीं आते। दंगों का इतिहास देख लीजिए, हमारे ही लोगों ने हमको मारा है। अगर मुसलमानों में बात मान है तो उधर मारिए। एसटी एनटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया या आदिवासियों के खिलाफ जो है आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया और ओबीसी के लोगों को ओबीसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कभी भी जो लोग सामने नहीं आते। आज से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, जब भी हमारे महाराष्ट्र में मेला होंगे वो हिंदू मुस्लिम ओबीसी के होंगे। हमारा कोई भी कार्यक्रम मेहनत से नहीं होगा, छोटी सी मीटिंग भी होगी, अगर झगड़े से मीटिंग भी होगी उसमें हमारे समाज के लोग शामिल होंगे। हमें कार्यक्रम देने आ रहे, हमें बता देंगे कि ओबीसी के अलग अलग मुल्क में मुनकदर हुकूमत करना है मुमकिन नहीं है। आपको यहाँ सब बड़े बड़े लोग बैठे थे जिनकी जिंदगी उनके लगी है, मैं उनके साथ फिर कहता हूँ हमारा विचार यही होगा कि अगर हुकूमत में सत्ता चाहिए तो ओबीसी को उनका हक देना पड़ेगा। जितना उनका प्रश्न है, जितनी उनकी फिसल है, जितनी उनकी तादाद है, वो हम काम करेंगे। हमें फिक्र है हमारे हिंदू भाइयों से, हिंदू ओबीसी से, वो हिंदू में बहुत बड़ा उसका भी नहीं होता है, अपने हिंदू मानते नहीं मानते वैसे लोग, लेकिन हम हमारा जो भी प्रोग्राम करेंगे मुस्लिम ओबीसी साथ में करेंगे। जो जाते हैं हिंदू ओबीसी में है मुस्लिम के अंदर भी, तो हम आज यहाँ पर इसलिए ऐलान कर रहे हैं कि श्रद्धे भाई की जो मोमेंट है उसको जिंदा कीजिए। आप यहाँ से हाथ लेके उठिए, आपको जाके आराम नहीं करना है। अगर आप आज सो गए, अगर अपनी आवाज नहीं लगाएगी तो फिर आपकी आवाजें हमें के लिए दबा दी जाएंगी। मुल्क में बोलना बंद है, मुल्क से इससे बड़े आगे की बात क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आवाम के सामने आके मदद मांगना पड़ रही है। कौन बोलने वाला है, कौन बोलेगा? लेकिन हमारी ताकत ओबीसी की ताकत, ओबीसी मूवमेंट, ओबीसी संघर्ष है। फिर बता दीजिए अगर तुमने दस्तूर को छेड़ने की कोशिश की, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आपको जाना होगा, आपको कुर्बानी देनी होगी, आपके लिए यहां नहीं लेकिन आपके औरतों के लिए, आपके घर, आपके बंगले, आपके प्रॉपर्टी कुछ भी महसूस नहीं आएगी। आपने देख लिया है किस तरह से जो है मुल्क में जुल्म बढ़ाया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, खुले आप मारा जा रहा है, प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, लेकिन कोई बोल रहा नहीं है। आप बोले आपका एक एक नफ्स क्या बन जाएगा। मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि आप आपके जिले में जाएंगे और फौरन कार्यक्रम बनाएंगे, उस पर खास कहना में हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे वो हिंदू मुस्लिम ओबीसी मिलकर होंगे। कोई प्रोग्राम कबूल नहीं करेंगे। दरअसल मुझे यहां बोलने का मौका दिया, अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि सब आ रहे हैं।